हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको सैमसंग का सैमसंग M21 जो मोबाइल है, जो मैंने परचेस किया था अराउंड 2 मंथ्स पहले, 60 डेज पहले, आज मैं उसको आपका उसको रिव्यू बताऊंगा। ये जो है वो सैमसंग फ़ोन है, इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने ब्लू कलर का ये मोबाइल मैंने परचेस किया था और आज हो गया 60 डेज के बाद मैं आपको उसको रिव्यू बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँगा, बैटरी के बारे में बताऊँगा कि ये सैमसंग M21 है। पहले तो मैं इसमें बताऊँगा कि इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि जो भी कोई मोबाइल परचेस करने आता है वो पहले सोचता है कि मोबाइल की परफॉर्मेंस कैसी है आफ्टर 60 डेज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस बेस्ट है। बेसिकली हमने 6 GB रैम लिया है तो परफॉर्मेंस तो बेस्ट होगा ही होगा, है ना। और रही बात कि ये सैमसंग है, ब्रांडेड कंपनी है। मैंने क्या किया था, जब मैंने मोबाइल ये परचेस किया था, सेम जैसे ही मुझे मिला था, सेम डे मैंने इसमें अराउंड जितनी भी मेरी बैंकिंग एप्लीकेशंस है, जितने भी जो पेमेंट करने वाला एप्लीकेशन, सब कुछ मैंने इंस्टॉल कर लिया था। दो व्हाट्सएप यूज करता हूँ मैं, सब कुछ मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया था, मुझे जस्ट उसको देखने के लिए कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। और आज 60 डेज हो गया मुझे इस परचेस किए हुए और ये परफॉर्मेंस इसका बेस्ट है। थोड़ा भी कहीं भी कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ इसमें। बेस्ट जो फीचर मुझे ये दिखा, जो कि रात को 12 बजे के आसपास, जैसे ही 12 बजता है रात को, ये ऑटोमेटिकली इसमें क्लीनिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, जो कि जितना भी कैसे है, जो भी जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उसको ये डिलीट करता है पहले। तो इसका मतलब हैंग करने वाली कोई बात इसमें है नहीं। और 6 GB रैम है। पहले जो हम 4 GB 2 GB यूज करते थे, उसमें अगर हम 4 GB यूज करते थे, उसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते थे तो होता था वैसा। लेकिन अब हम 6 GB यूज कर रहे हैं और इसमें जो फैसिलिटी है ऑटोमेटिक क्लियर करने का, तो पहले क्या होता था, हम भूल जाते थे और कभी कभी हम क्लियर करते थे क्लीनर से, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक फैसिलिटी है। दूसरी बात बताऊँ मैं, इसकी जो कैमरा क्वालिटी है, आप कैमरा क्वालिटी आप देखोगे तो जैसे ये फ्रंट का है, फिर देख सकते हैं फ्रंट का कैमरा है कितना बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो कैमरे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मेन ये है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड का जितना कलर जैसा होगा वैसा ही उसके हिसाब से आपका फोटो आएगा। तो आप देख सकते हैं फोटो सही है। और बैक साइड का तो आप देख सकते हैं कितना बेस्ट है। मैं अलग से इसको बैक साइड का फ्रंट का फोटो खींच के मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, आप देख लेना। और आप देख सकते हैं कितना बेस्ट इसका लुक है, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन है, माइक्रो का, ज़्यादा दूर का ऐसे फोटो लेना, फिर पास से, आप देख सकते हैं ऐसे फीचर्स इसमें है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो आप इसको एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। इसमें एक और फीचर जो मैंने देखा, सिंगल टेक है, अगर आप इसको इसको प्रेस करते हैं तो इसमें एक वीडियो और एक दो फोटोज में इंक्लूड हो जाएगा। तो फोटो के लिए अलग है, वीडियो के लिए अलग है, ठीक है। वाईफाई कनेक्टिविटी भी बेस्ट है, सब कुछ पूरा फास्ट, वाईफाई आप देख सकते हैं पूरा सही है। नेटवर्क हमेशा इसमें फुल रहता है, ठीक है, और सब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चार्जर है, चार्जर ये फास्ट चार्ज करता है। ये अराउंड 1 से 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अगर आपका बैटरी का परसेंटेज 8 to 9% अभी है तो आपको 1.5 से 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा और ये 2 दिन तक चलता है। बैटरी की जो ड्यूरेबिलिटी हम जो बोल सकते हैं कि कितना दिन चलता है मोबाइल चार्ज होने के बाद, तो ये 2 दिन चल जाता है। और मैं इसको 2 दिन के बाद ही इसको चार्ज दोबारा करता हूँ, मैं जैसे ही 8 या 9% पहुँचता है तब मैं इसको चार्ज लगाता हूँ। तो बैटरी और चार्जर के हिसाब से तो ये बेस्ट है। और दूसरा चीज़ है, हाँ, ये पीछे का जो है, इसका जो बैक साइड है, ये अभी तो इस पर स्क्रैच नहीं पड़ा है। स्क्रैच इसलिए नहीं पड़ा है कि क्योंकि मैंने इसमें बैक साइड एक बैक कवर लगाया है। तो अगर आप इसमें बैक कवर लगा दोगे तो बेस्ट रहेगा, इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेगा, अदरवाइज स्क्रैच तो पड़ ही जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, और आप इसमें ग्लास लगा सकते हैं आगे, और ये बेस्ट लगता है, सही है। थोड़ा सा हैवी के हिसाब से, लेकिन आप यूज करोगे तो आपको सही कम्फर्टेबल फील होगा, ज़्यादा हैवी नहीं है। M21 जो फ़ोन है वो बेस्ट है, आपको अपने रेंज में ही आ जाता है अराउंड 15-16 हज़ार के आसपास, अगर आप अमेजन से परचेस करते हैं या फ्लिपकार्ट से। बेसिकली अगर आप अमेजन से परचेस करते हैं तो आपको सस्ते में फ़ोन मिल जाएगा। मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मोबाइल ले रहे हैं तो साथ में बैकअप जरूर ले लें। ये मैंने पर्सनली देखा है कि अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो यहाँ पर साइड में स्क्रैचेस पड़ जाएगा और बहुत जल्दी ये अगर थोड़ा भी अगर गिरता है फ़ोन ऐसे तो कहीं ना कहीं स्क्रैच पड़ जाएगा।
और बाद में ना तो इसको आप ओला से बेच सकते हो ना ही आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो फिर ये मैं बोलूँगा कि ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है सैमसंग का M21, 6 GB रैम है, 128 GB इसका स्टोरेज है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा अगर रिव्यू आपको लगे कि मैं सही रिव्यू दे रहा हूँ, ओरिजिनल है, कोई फेक इसमें नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहेगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।